नमस्कार किसान भाइयों, हमारा डेयरी फार्म चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेचुरल रेमेडीज़ की, मस्टिनल और विस्प्रेक स्प्रे के बारे में। तो ये दोनों स्प्रे के बारे में आज बात करेंगे कि ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी जानकारी ले सको। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे पशुओं को मस्टाइटिस हो जाता है, जब हमारे पशु ज़्यादा दूध दे रहे हैं, जहाँ कुछ पशु कम दूध भी दे रहे हैं, जहाँ ब्यांध के पहले भी मस्टाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ ये स्प्रे जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। तो मस्टाइटिस होने के कारण क्या है दोस्तों कि हम ज़्यादातर गीली जगह पर पशु को ज़्यादा टाइम तक बांधते हैं, जहाँ दूध निकालने के बाद एकदम पशु बैठ जाता है, जहाँ फर्श पर पशु को रखते हैं तो वहाँ भी मस्टाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तो कहूँगा कि सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पशुओं की सफाई रखोगे, पशुओं के नीचे जो जगह है सूखी और रखोगे, पोली जगह रखोगे, नरम जगह रखोगे, मिट्टी वाली जगह रखोगे, फर्श पर पशु को कम से कम टाइम रखो, क्योंकि अगर पशु को फर्श पर रखोगे तो पशुओं के खुर भी ख़राब होंगे और पशुओं को मस्टाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मस्टाइटिस होने के कारण हमारे पशुओं का दूध भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमारा पशु एकदम सुस्त हो जाता है और पशु फिर काफ़ी दिन दूध पर नहीं आता, लगातार दूध कम होता रहता है। और कई बार तो क्या होता है कि मस्टाइटिस के कारण हमारे पशु के एक या दो थन ख़राब भी हो जाते हैं, जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इलाज से पहले तो हम कहेंगे कि आप सफाई रखो। अगर आपके पशु को मस्टाइटिस हो गया है तो उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विस्प्रेक स्प्रे के बारे में। तो ये एक स्प्रे, ऐसी स्प्रे है दोस्तों कि अगर आपके पशु को मस्टाइटिस हो गया है तो आप जो भी इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हो तो इंजेक्शनों के साथ साथ आप इस स्प्रे से हवाने पर अच्छे से स्प्रे करते रहो। जो आपको 130 रुपए की ये स्प्रे मिल जाएगी, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वहाँ साथ में इस स्प्रे का भी यूज़ करो। तो आपके पशु का अगर जो मस्टाइटिस हो गया है तो जल्दी ही वो सही होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं उन्हें ये ख़त्म कर देती है, जिससे कि हमारा पशु बिल्कुल सही होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आपके पशु को मस्टाइटिस हो गया है तो विस्प्रेक स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो नेचुरल रेमेडीज़ की। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इनका। तो ये यूज़ तभी करनी है दोस्तों जब आपके पशु को मस्टाइटिस हो गया है और आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हो। तो अगर आप पशु को मस्टाइटिस होने से बचाना चाहते हो तो ये मस्टिनल स्प्रे है, ये यूज़ कर सकते हो। 260 रुपए में आपको 500 ml की ये स्प्रे मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया स्प्रे है दोस्तों ये। तो आपने जब भी पशु का दूध निकालना है, दूध निकालने के बाद पशु के हवाने को अच्छे से लवेटी को साफ़ करके उसके बाद आपने इस स्प्रे को पूरे हवाने पर स्प्रे इसकी कर देनी है। इससे क्या होता है कि जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो पशु के थनों के अंदर नहीं जाएंगे और आपके पशु को मस्टाइटिस होने से ये स्प्रे बचाएगी। तो इसका यूज़ आपने पशु का दूध निकालने के बाद करना है लगातार, हर रोज़ सुबह शाम। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पशु, जब आप पशु का दूध निकालते हो तो एकदम आपका पशु बैठना नहीं चाहिए। अगर पशु का दूध निकालने के साथ साथ ही पशु आपका बैठ जाता है तो तब भी मस्टाइटिस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कम से कम पशु को एक घंटा दूध निकालने के बाद खड़ा रखना चाहिए, उससे आपके पशु को मस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको स्प्रे का ये तरीका तो बता ही दिया है दोस्तों कि आपने पशु का दूध निकालने के बाद पशु को जो है पशु का हवाने को अच्छे से साफ़ करना है, जो पशु का अडर होता है पूरे अडर को साफ़ करके पानी से, और उसके बाद इसकी स्प्रे कर देनी है। तो इससे आपके पशु को मस्टाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।